खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां योगी सरकार के एक मंत्री को बड़ा झटका लगा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मंत्री संजय निषाद को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। गोरखपुर सीजेएम कोर्ट ने यूपी के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को गिरफ्तार कर 10 अगस्त तक पेश करने का आदेश भी दिया है। जानकारी के मुताबिक जिस मामले में कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है, वो मामला 7 साल पहले का है। दरअसल 7 जून 2015 को सरकारी नौकरी में निषादों को 5% आरक्षण देने की मांग को लेकर सहजनवा थाना इलाके के कसरवल में आंदोलन चल पड़ा था। रेलवे ट्रैक पर आंदोलनकारी बैठ गए थे, तभी माहौल गर्म हो गया और पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। इस दौरान एक शख्स की जान भी चली गई थी। आरोप ये लगा था कि शख्स की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई है। इसमें आंदोलन उग्र हो गया और आंदोलनकारी पुलिस से भिड़ गए, जिसके बाद देखते ही देखते गुस्साए आंदोलनकारियों ने पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस हिंसा में 24 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक को जाम करने के लिए उस पर बैठ गए थे। इस दौरान वहां मौजूद संजय निषाद पर भीड़ को भड़काने का आरोप लगा। इसके बाद उन्होंने 21 दिसंबर 2015 को कोर्ट में सरेंडर किया था। फिर वो जेल भेज दिए गए और 2016 में वो जमानत पर बाहर आए थे। तो वहीं संजय निषाद समेत कई लोगों के खिलाफ बलवा तोड़फोड़, आगजनी और अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया था। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में संजय निषाद की पार्टी बीजेपी की सहयोगी है। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले दोनों दल साथ आए थे। संजय निषाद का एक बेटा सांसद तो दूसरा विधायक है। इसके अलावा संजय निषाद खुद विधान परिषद के सदस्य हैं। अब देखा जाए तो इससे योगी सरकार की खूब किरकिरी हो रही है, मुसीबत आ गई है। एक ओर जहां सीएम योगी अपने मंत्रियों पर नकेल कसने की तैयारी में हैं, तो वहीं दूसरी ओर मंत्रियों से जुड़े पुराने मामलों में अब उनके लिए वो मुसीबत बनते जा रहे हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के खिलाफ गोरखपुर की सीजेएम कोर्ट ने गैर जमानत वारंट जारी किया है, तो वहीं दूसरी ओर 31 साल पुराने मामले में मंत्री राकेश सचान पर भी शिकंजा कसा है और कोर्ट ने उन्हें बुला लिया है। लेकिन वो कोर्ट में पेश तो जरूर हुए थे, पर फैसला आने से पहले ही वो जेल से खिसक लिए। अब इन मामलों को लेकर समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर हमला बोलने के लिए बिल्कुल तैयार है और उन्होंने हमले बोलने शुरू कर भी दिए हैं। अब बहरहाल अब देखना है कि आखिर इन दोनों ही मामलों में कोर्ट क्या निर्णय लेती है और योगी सरकार इस पर क्या कहते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।